ये जो पूरा व्हाइट है गाइस, ये पूरा क्या है, नमक है। तो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया हो, अगर गाइस मैं भी बहुत ही अच्छा हो। तो गाइस आज हमारे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। आई होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो और हमारा कंटेंट जरूर पसंद आएगा। और गाइस अगर आपको आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो डेली मिलती रहेंगी गाइस। तो गाइस आज का जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस प्रकार का है। तो गाइस आज हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो गाइस आज हम लोग करने वाले, आज हमारे पास गाइस दो चीज़ें, पहला तो पानी और दूसरा है नमक। अगर गाइस मैं आपसे कहूँ कि मुझे पानी और नमक मिला दीजिए, और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँगा कि उसे अलग करके बताइए, तो शायद आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन नहीं गाइस, ये बहुत ही आसानी से आप इसे अलग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार आप पानी और नमक को मिलाकर उसे किस प्रकार अलग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक गिलास पानी और थोड़ा सा नमक, तो हम लोग करने क्या वाले, इस नमक को इसमें मिक्स करने वाले, और उसके बाद क्या करने वाले, उस पानी में से जो नमक मिक्स हुआ होगा उसमें से क्या करने वाले, नमक को अलग करने वाले हो गाइस। लेकिन गाइस देखने में तो आपको बहुत ही अमेजिंग लग रहा होगा, लेकिन गाइस लेकिन जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस हमारे पास जो नमक है अभी हम लोग उसमें मिक्स करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं गाइस कि मैंने इसमें जो मेरे पास पूरा नमक था वो मैंने इसमें डाल दिया है। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि पानी का कलर कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें से पूरा नमक इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो गाइस अगर मैं अब आपसे कहूँगा कि इसमें से मुझे, अगर आप कहूँगा कि आप मुझे इसमें से नमक अलग करके दे, तो शायद आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन गाइस हम लोग इसे ही ट्राई करेंगे। तो देखिए हमें सिंपल सा करना क्या है, ये जो हमने पानी नमक और मिक्स किया हुआ है उसे हम लोग को क्या करना है, गर्म करना है। तो जिससे होगा क्या, जो पानी गर्म होगा जिससे पानी उबलेगा उससे क्या होगा, पानी पानी निकल जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने गैस स्टोव की तरफ, और आप में आपको अभी से नमक अलग करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी गैस स्टोव की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग घर में आ चुके हैं, और अभी हम लोगों को क्या करना है, जो पानी उसे गर्म करना है। तो अभी हम लोग ग्लास में तो पानी गर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पानी है वो क्या कर रहे हैं, पतीले में डाल देंगे और फिर गैस में स्टार्ट कर देंगे। मैं जो पानी है वो पूरा पतीले में डाल देता हूँ, और अभी हम लोग इसे क्या करेंगे, गैस पर रख देंगे। और गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, जो गैस है वो ऑन कर देंगे। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने गैस है वो ऑन कर दिया है। तो गाइस अभी हमें क्या करना है, जो पानी है उसे उबलने तक हमें वेट करना है। गाइस आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा पानी है वो अभी उबलने लग स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है। और गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये जो व्हाइट लेयर आपको दिख रही है गाइस वो क्या है, नमक की है। और जब ये पूरा पानी सूख जाएगा तो यहाँ पे जो नीचे है वहाँ पे भी व्हाइट लेयर आ जाएगी। तो चलिए फिर हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे पानी सूख रहा है गाइस, तो देखिए जैसे जैसे वो व्हाइट लेयर है वो बढ़ रही है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा पूरा नमक है वो पूरा सूख चुका है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। और गाइस अभी ये थोड़ा गर्म है, अभी हम लोग इसे क्या हो जाएंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं छत पर। गाइस अभी हम लोग फाइनली छत पे आ चुके हैं। गाइस अभी हम लोगों ने गर्म पूरा कर लिया है, और अभी हम लोग छत पे आ चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम लोग ने पानी और नमक को अलग कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस अभी ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है गाइस। तो आप लोग आज देख सकते हैं कि ये जो पूरा व्हाइट है गाइस, ये पूरा क्या है, नमक है। तो अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो गाइस ये जो हम लोगों ने पूरा नमक डाला हुआ था गाइस, ये वही नमक है। आप लोग देख सकते हो गाइस ये जो है वो नमक ही है गाइस, आप लोग देख सकते हो। देखिए गाइस ये पूरा नमक ही है गाइस। तो गाइस इस तरह हम लोगों ने नमक
और पानी में से नमक अलग करके दिखाया। तो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो हमारे घर पे जो नमक आता है वो क्या इसी तरह उबल कर आता है, तो नहीं गाइस, आपने जो आपके घर पे नमक आता है गाइस उसकी मतलब जो फाइव होता है गाइस, अभी सबके पूरे इंडिया में अगर हमें नमक एक्सपोर्ट करना है गाइस तो हम लोग हर नमक को गर्म गर्म करके तो नमक नहीं निकाल सकते। तो गाइस इसका एक नेचुरल तरीका भी जो आप शायद आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हो तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल तरीके से जो नमक निकाला जाता है वो किस तरह निकाला जाता है। तो गाइस आपने ये तो देखा होगा कि जो समुद्र होता है गाइस उसमें क्या होता है, जो सूरज होता है ना गाइस उसकी वजह से जो पानी गर्म होता है और फिर जो बाष्प निकलता है वो उस तरह के वो वहाँ पे नमक निकाला जाता है। लेकिन गाइस अभी अगर हम लोग यहाँ पे अगर सूरज का तरीका ट्राई करते हैं तो गाइस हमें वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त भी लग सकता था। और गाइस आप लोग जानते होंगे कि अभी जो वक्त चल रहा है वो ठंडियों का वक्त चल रहा है और जिससे क्या हो रहा है कि जो सूरज का तापमान होता है वो ज़्यादा भी नहीं होता, इसलिए हमारा पानी ज़्यादा देर गर्म भी नहीं होता और उबलता तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने इसे क्या किया, गैस पर ट्राई किया। अगर आप चाहते हो तो आप इसे मतलब जो सूरज है उस पर भी ट्राई कर सकते हो, और अगर आपने इसे ट्राई कर किया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपने ऐसा कुछ ट्राई किया होगा। और हाँ अगर आप लोग ये घर पर बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसे मतलब किसी प्लेट में निकाल के उसे धूप में रख सकते हो, अगर उसके बाद अगर आपके यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा तो वो गर्म हो गया और ऑटोमेटिकली अपना पानी खींच लेगा और उसके नीचे जो सेम हम लोगों ने इस तरह जो लेयर बनी हुई है वो सेम आपको उस तरह भी दिख सकती है। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन गाइस आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपको भी पता है गाइस किसी भी क्रिएटर को लाइक करने से उसे मोटिवेशन मिलता है और आप भी देखते हो गाइस कि हम लोग हर वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। गाइस कोई भी चीज़ करने के लिए आसानी से कोई भी चीज़ नहीं बन जाती, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह वीडियो डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।